बड़ी खबरों की ओर ले चलते हैं। बताते चले, दिल्ली के रोहिणी में निगम परिषद द्वारा किया गया उद्घाटन कार्यक्रम और स्काई मार्ग पर नामकरण। इस दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। हुआ है किस मार्गों का उद्घाटन उसको लेकर के बताया क्या? देखिए, अगरसैन मार्केट का, अगरसैन द्वार का और अगरसैन मार्ग का और जैन सत्तानक मार्ग का और हनुमान मंदिर मार्ग का, तो ये उद्घाटन हमारे यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद कनिका जी के द्वारा और जोगीराम जी के हाथों से जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया, जिसमें समाज के प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो समाज की रीढ़ की हड्डी है वो आज यहाँ पर है। मैं सबको बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर कार्य जो इनकी पुरानी मांग थी आज उनको पूरा किया गया। इसको जो गेट बनाया जा रहा है इसको लेकर भी कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर कर दी, थाने पहुँचे थे, इसको क्या कब्जा नहीं होता। कुछ लोग शरारती तत्व होते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। आज जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ उसको लेकर के बताया किस तरीके का कार्यक्रम और किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया? नहीं, आज जो है ना चार जगह का उद्घाटन किया गया है, किया जा रहा है। अभी आपने रोक दिया, अभी दो जगह का ही हम कर पाए हैं, दो का अभी बाकी है। चार जगह का उद्घाटन किया जा रहा है। ये अग्रवाल मार्ग है, अग्रवाल द्वार है, एक हमारा हनुमान मंदिर का जो है ना वो द्वार है, एक जैन स्थान की रोड का नाम है। तो ये कनिका जी जो हमारी बहुत जुझारू निगम पार्षद हैं यहाँ की, बहुत मेहनत करती है, उन्होंने पूरा एक ही माला में पिरो के आज के ये चार कार्यक्रम जो है ना आयोजित करे हैं। और समाज के लोगों की न जाने कब से जो है ना डिमांड थी ये कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, उसने ये सारी चीज़ें जो है ना आज कम से कम इस क्षेत्र की सेक्टर 5 के ये यहाँ के लोगों के लिए जो ना ये चार चीज़ों का उद्घाटन आज हम कर रहे हैं। सर, ये जो कुछ लोगों का विरोध भी कर रहे हैं कि उनसे ना तो पूछा गया, बिना उनके जानकारी के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट हुई है, कॉल हुई है, अभी जेई ने काम रोक दिया है। नहीं नहीं नहीं, किस चीज़ का विरोध है कि ये अग्रवाल मार्ग क्यों रखा गया पीछे से? नहीं, अग्रवाल मार्ग नहीं, ये वाला द्वार गेट का। हाँ, नहीं नहीं, तो द्वार गेट का जो परमिशन ली होगी तभी ऐसा किया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाहेंगे समाज हित में, कोई समाज के सारे यहाँ के संरक्षक, यहाँ के प्रधान, यहाँ के सेक्रेटरी, अग्रवाल समाज के सब यहाँ खड़े हैं आपके सामने, किसी से बात कर लो आप। अगर ये विरोध, अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर समाज कोई अच्छा काम करता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक मॉडर्न टॉयलेट बनवा रहा था, वहाँ चार आदमी बैठे हुए थे, बैठे हैं अपना कोई ना कुछ रेडी पटरी लगा के। अब मॉडर्न टॉयलेट बनाने के लिए थोड़ा रास्ता बनाना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, तो कोई ना कोई आजकल आम आदमी पार्टी के लोग भी ये बहाना चाहिए ना उनको कि कहीं ना कहीं अपना झंडा लेके पहुँच जाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं, और दूसरे भी लोग जो है ना। लेकिन अच्छे काम में सहयोग करने वाले कितने हैं, ये पूरा समाज खड़ा ना, यहाँ भी आप अंदर भी थे। बाकी ये जो सारी जो कार्यक्रम हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो रहा है या दिल्ली नगर निगम के? दिल्ली नगर निगम के, ये देखो ना आप, मोटो वो लगा हुआ, बाकायदा फाइलें जो है अप्रूव हुई है, नेमिंग कमेटी में पास हुआ है, उसके बाद ही ये सब जो है ना एग्जीक्यूट हो रहा है। अदरवाइज जो है ना आप कुछ समय के बाद आप गूगल पर भी देखेंगे तो ये अग्रवाल मार्ग आपको जो है ना गूगल पर दिखाई देगा, जितना भी होता है वो सारा वैसे ही होता है, ऐसे नहीं होता।